Hello dear students, today we have moved in a new videos and in this videos we will learn some new topic with new ideas and new concepts. Hi everyone, my name is Eras and how are you? I hope कि आप अच्छे हों. मेरा नाम एराज है और आप कैसे हैं? आप सब मुस्कुरा रहे हैं, सही सलामत होंगे. ओके, देखो टुडे द नेम ऑफ द टॉपिक इज, डू यू वांट्स टू नो व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉपिक? That is the reversible change. Reversible change. Do you want to know what is reversible change? Okay, let me explain what is reversible change. If someone may ask you what is the definitions of reversible change, ये रिवर्सिबल चेंज कहेंगे किसे, ये होता क्या है, तो मैं आपसे बता रहा हूं कि ये चेंजेस और रिवर्सिबल चेंजेस इज दैट टाइप ऑफ द चेंजेस थ्रू विच ए सब्सटेंसेस कैन बी रिवर्स्ड इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, देन दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज. देखो मैंने क्या कहा, मैंने अभी भी ये बताया कि किसी भी तरह का चेंज हो जाए, चाहे कुछ भी कहा ना हो, वो पहले जैसा फिर से हो सकता है तो उसे कहेंगे रिवर्सिबल चेंज. जैसे कोई एक पेज लॉ मुझे दो समझाने के लिए, लॉ वो मेरा, वो वहां पे प्रिंट है मेरा जो बोला, हाँ, तो वो उसे कहेंगे रिवर्सिबल चेंज. देखिए एग्जांपल के तौर पे, इन माय हैंड आई हैव पेपर, मेरे हाथ में एक पेपर है, ठीक है, ये देख सकते हो. अब देखिए रिवर्सिबल चेंज होता क्या है. मैं क्या करता हूँ कि ये पेपर देख रहे हो ना, एक ही पीस है ये मेरे पास, कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं शो कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ. इस पेपर को मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया है, मैं समझा रहा हूँ रिवर्सिबल चेंज. तो क्या समझा रहे हैं, तो मैंने फोल्ड कर दिया, पहले था ऐसा साइज ये, लेकिन अब मैंने इसे फोल्ड किया तो कुछ इस तरह का हो गया. हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए. हाँ हो गया ना. तो अब देखो, अब फिर से वापस सिर्फ चलो एक बार और मोड़ा दो, तो देखो तो अब इसका साइज एकदम कॉम्पैक्ट हो गया, यानी कि छोटा हो गया. बट क्या ये पहले जैसा हो सकता है, हाँ या ना? अगर हाँ तो रिवर्सिबल चेंज है, और अगर ये पहले जैसा नहीं हो सकता तो इरिवर्सिबल चेंज है. सिंपल सी तो बात है, तो चलो देखते हैं कि होता है कि नहीं. ये हमने क्या नोटिस किया कि ये तो पहले जैसा हो गया, यानी कि रिवर्सिबल चेंजेस हमने किया है. तो समझ गया ना कि रिवर्सिबल चेंजेस होता क्या है, ठीक है? कोई कंफ्यूजन है जी? नहीं है, तब इसका डिफिनेशन को लिखा जाए. तो लेट अस सी, स्टार्ट राइटिंग एवरीबॉडी, लिखना. ये चेंजेस, चेंजेस विच कैन बी रिवर्स इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म, देन दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज. तो इसे क्या कहेंगे, रिवर्सिबल चेंज कहेंगे. सिंपल सी बात है स्टूडेंट, कोई भी चेंज है जो पहले जैसा हो सकता है इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, पहले जैसा था वैसा हो जाएगा, कुछ समय के लिए ही वो बदला है, तो दैट इज अ रिवर्सिबल चेंज. कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना कि रिवर्सिबल चेंज होता क्या. अब देखिए इसका एग्जाम्पल लेता हूं मैं, इसी रिवर्सिबल चेंजेस का एग्जाम्पल के थ्रू समझा दें. आपने नाम सुना होगा आइस का, ठीक है, आपने नाम सुना होगा वाटर का, ठीक है. तो क्या है ये, आइस को अगर मैं मेल्ट कर दूं, मेल्ट कर दूं, आइस को मैं मेल्ट कर दूं, मेल्टिंग लिख सकते हो तुम, अगर हमने मेल्ट किया तो वो वाटर बन जाएगा.
और अगर वाटर को अगर हम फ्रीज कर दें, यानी कि फ्रीजिंग कर दिया हमने, ठंडा कर दिया पानी को, तो वो आइस बन जाएगा। देखो तो आइस से पानी बनाया ना और पानी से बर्फ फिर से जमा दिया ना, यानी कि ये अदला बदली हो सकता है। तो दैट इज दिस इज द रिवर्सिबल चेंज, यही रिवर्सिबल चेंज है डियर, कि बदल गया तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी वो पहले जैसा हो सकता है। तो यही तो है रिवर्सिबल चेंज की खासियत, हमेशा के लिए नहीं बदला है, थोड़े समय के लिए बदल गया। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है? इसमें किसी को समस्या हो रहा है? नहीं होगा। अब देखिए, आप इसे चाहें तो फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हो। जैसे सपोज दैट मैं इसमें आइस के पार्टिकल्स ले रहा हूं, आइस क्यूब, सपोज दैट आइस स्लैब इतने सारे इसमें हैं, आइस है ये, ठीक है, और इस साइड मैंने कंटेनर में ये वाटर है, इसमें सपोज दैट ये वाटर है और इसमें क्या है जी, आइस, आइस है, समझ गया ना। तो देखिए, इस आइस को अगर मैं मेल्ट कर दूं, मेल्ट कर दूं, मेल्ट, मेल्टिंग वाला काम कर दें, तो वाटर बन जाए, और इस वाटर को अगर मैं फ्रीज कर दूं, फ्रीजिंग का काम कर दूं, तो ये बर्फ बन जाएगा। तो दिस इज द व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ रिवर्सिबल चेंज, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑलरेडी, एक्सप्लेन्ड यू। तो तुम एग्जाम्पल के रूप में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो इतने सारे चीजों को, ठीक है। आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, तो तुम इसे नोट कर लो। एग्जाम्पल पूछेगा तो क्या बोलेगा, ना बताए, बोलना कि मेल्टिंग ऑफ आइस इंटू वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंज। इतना लिखाने के बाद भी यही हाल है। चलो इसके नीचे लिख सकते हो एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में यहाँ पे, कि मेल्टिंग ऑफ ऑफ आइस इंटू वाटर, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हो कि फोल्डिंग ऑफ पेपर, फोल्डिंग ऑफ पेपर यानी कि पेपर को हमने फोल्ड कर दिया, अभी भी मोड़ के दिखाया था ना, तो वो भी क्या है, ये रिवर्सिबल चेंज है। तो इन दिस वे यू हैव लर्न टुडे इन दिस वीडियो भाग, वी हैव लर्न व्हाट इज रिवर्सिबल चेंज एंड द एग्जांपल्स ऑफ रिवर्सिबल। और भी बहुत कुछ हो सकता है, बाकी तोड़ मोड़ को देखते रहिएगा। तो ठीक है, बाकी की बातें करूंगा नेक्स्ट लेक्चर, वी विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियोस, एंड फॉर दैट मोमेंट यू शुड मस्ट बी वेट फॉर दैट moment, and so love you all, take care.